अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। उन्हें युद्ध की अस्वीकृति और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। अशोक को अपने शासनकाल की शुरुआत में शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ा। इसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और साम्राज्य में सहिष्णुता का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। वह एक संप्रित बौद्ध थे जिन्होंने पूरे भारत में इस धर्म के प्रसार की देखरेख की। अपने कार्यों और नेतृत्व क्षमता के कारण अशोक को भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता था। उनका जन्म एक बहुपत्नीक परिवार में हुआ था। अशोक राजा बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता सुभद्रांगी एक साधारण परिवार से थी। इसके विपरीत उनके पिता राजाओं के वंश से आते थे। एक दृष्टा ने भविष्यवाणी की थी कि सुभद्रांगी एक राजा को जन्म देगी। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। उनका पहला दशक हिंसा से भरा हुआ था जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगले 3 दशक शांतिपूर्ण थे और अशोक ने खुद को आदर्श राजा सिद्ध किया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक पर धर्म का बहुत प्रभाव था। उज्जैन की यात्रा के दौरान अशोक अपनी पहली पत्नी देवी से मिले। वह एक व्यापारी की बेटी थी। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद दंपत्ति को एक बेटा हुआ। उन्होंने लड़के का नाम महिंद्रा रखा। 3 साल बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने संघमित्रा रखा। कुछ समय बाद अशोक वापस पाटलिपुत्र आ गए। वहां उनकी मुलाकात कौरव की से हुई और उन्हें प्यार हो गया। दोनों ने तक्षशिला में शादी की। अपनी पांडुलिपि में उन्होंने केवल दूसरी पत्नी को उल्लेखित करवाया। इलाहाबाद में मिले एक स्तंभ पर उनका नाम भी अंकित था। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध मठों के पास स्तंभ स्थापित किए थे। उन्होंने बुद्ध की यात्रा को चिन्हित करने के लिए ऐसा किया। इन स्तंभों को लाल सफेद बलुआ पत्थर से बनाया गया था। समान कौशल वाले शिल्पकारों को एक ही स्थान पर स्तंभ बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। पूरा होने के बाद उन्हें सम्राट अशोक के आदेश के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। ये स्तंभ उस धुरी का प्रतीक है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। अशोक द्वारा कलिंग देश पर विजय प्राप्त करने के बाद इन स्तंभों का निर्माण किया गया था। आलोचक अशोक को आध्यात्मिक नेता से अधिक राजनीतिक मानते हैं। अशोक के बारे में अधिकांश जानकारी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अन्य लोगों द्वारा उनके बारे में जानकारी बौद्ध धर्म पर बताई गई है। दुर्भाग्य से ये ग्रंथ एक दूसरे का खंडन करते हैं, लेकिन इतिहासकार लगातार इन्हें सहसंबंधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कई अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण किया था, लेकिन कई ऐसे इतिहासकार भी हैं जो इस कथन का खंडन करते हैं। अशोक ने शांतिपूर्ण जीवन के सिद्धांतों पर खुद को एक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और अपने आलोचकों को ये विश्वास दिलाया कि ये एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। उन पर खुद की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए आध्यात्मिक प्रचार करने का भी आरोप लगता रहा है।